सब्सक्राइब करें फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम रोबिन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फॉरएवर टेक। तो दोस्तों आज बात करते हैं जी ओ जनरल का डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर का वन टन का जो पीसीबी है वो आज हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया है। तो आज इस पर हम आपको बताएंगे, सबसे पहले तो हम बताएंगे कि इसमें फॉल्ट क्या था और ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, तो इसको मैंने ठीक कर लिया है लेकिन हमने दोबारा इसको पैक कर दिया है। तो अभी आप हमको खोल के दिखाएंगे कि इसमें फॉल्ट क्या था। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि ये फंक्शन कैसे करता है और इसमें आपको टिप्स दूंगा कि जब इसमें उसके अलावा जो फॉल्ट इसमें आया हुआ था, इसके अलावा अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो आपने इसको कैसे रिपेयर करना है। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ये सारी मालूमात देते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें फॉल्ट क्या था। तो फॉल्ट ये था कि ये बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा था। तो जब ऑन नहीं हो रहा था तो सबसे पहले जो मेरा चेकिंग का तरीका होता है वो हमेशा इसका फ्यूज़ वगैरह मैं चेक करता हूँ। तो देखें यहाँ पर भी एक फ्यूज़ लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल ठीक था, इसमें कोई मसला नहीं था। तो फिर इसके बावजूद भी ये ऑन नहीं हो रहा था। तो आया आज मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इसमें एक और भी फ्यूज़ लगा होता है लेकिन वो हिडन होता है, वो दिखाई नहीं देता है। और अक्सर मेरे दोस्त जो रिपेयरिंग वाले ख़ास तौर पे हैं उनको इस बात की समझ नहीं आती है, लेकिन जब आपको मैं बता दूंगा तो आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये इसका कनेक्टर लगा हुआ है, तो कनेक्टर जो है इसके साथ स्विचिंग रिले भी लगी हुई है। स्विचिंग रिले इसमें इसलिए लगाई गई है क्योंकि इसकी सप्लाई जो है, देखें ये वायर आपको नज़र आ रही होगी, तो ये वायर जो है पहले इंडोर में इसकी सप्लाई आती है और ये पीसीबी जब ऑन हो जाता है तो ये पीसीबी जो है वो इसको आउटडोर सप्लाई को ऑन करता है, यानी कि इस स्विचिंग रिले के ज़रिए से। तो ये यानी कि इसकी सप्लाई इंडोर से आउटडोर की तरफ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो दूसरा हिडन जो फ्यूज़ है वो कहाँ पे होता है। तो देखें जब आप इसके कनेक्टर को खोल लेते हैं, देखें मैं अभी खोल लेता हूँ इसको, तो देखें मैंने अभी इसको खोल लिया है। तो पहले भी हम खोल चुके थे इसको लेकिन मेरे साथ जो शागिर्द है उसने इसको बंद कर दिया है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको आपने करना क्या है। तो सबसे पहले देखें आप ले लेंगे एक टेस्टर ले लें या छोटी पिन ले लें। तो ये तो स्विचिंग रिले है, इसके अलावा यहाँ पे देखें ये कवर आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये कवर जो है इसके नीचे एक हिडन फ्यूज़ लगा हुआ है। अब इसको खोलना कैसे है, ये अक्सर जो है ना, ये देखें इस होल में आपने पिन डालनी है, दो पिन डालेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक और जंपर से लगा है वो टूट गया है, लेकिन इसलिए हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखें प्रेस किया तो ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो जब बाहर आ जाएगा तो देखें यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा हुआ है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये देखें ये जी ये है जी इसके अंदर फ्यूज़। तो ये जो है न्यूट्रल पे इसको लगाया गया है, न्यूट्रल की तरफ देखें, न्यूट्रल के साथ, तो न्यूट्रल पे एक फ्यूज़ होता है और ये फ्यूज़ जब जल जाए, अक्सर ये ख़राब हो जाए ना, और अगर सप्लाई अगर उल्टी लगी हुई है तो फिर तो ज़्यादा मसला आ जाता है, जल्दी ख़राब होता है। लेकिन अगर सप्लाई बिल्कुल सही है तो अक्सर जो है कोई वोल्टेजेस के अप एंड डाउन या एम्पेयर्स के अप एंड डाउन की वजह से ये जल जाता है। देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी फोकस नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये है जी वो फ्यूज़, तो ये 250 वोल्ट्स मैक्सिमम काम करता है और 3 एम्पेयर इसकी कैपेसिटी है। तो आप देते हैं जी आपको और इन्फॉर्मेशन। तो देखें यहाँ पे इसी कनेक्टर के साथ देखें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लगी हुई हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ ये जो दो वायर्स आ रही हैं, अक्सर जो दोस्त हैं वो धोखा खा जाते हैं इतनी वायर्स देख के, तो उनको समझ नहीं आती कि ये कौन कौन सी वायर इधर जा रही है। तो मैं आपको भी ये क्लियरली बता देता हूँ, देखें मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो ये देखें ये जो दो वायर्स हैं ये तो आ रही हैं जी डायरेक्टली 12 वोल्ट आ रहा है यहाँ से, ये देखें ये कनेक्टर लगा हुआ है यहाँ पर, तो कनेक्टर ये पीसीबी से सप्लाई आती है और इस रिले को ऑन करती है। इसके बाद ये ब्लैक वायर जो है, ये देखें ब्लैक वायर इस कनेक्टर के साथ लगी हुई है, तो देखें इस कनेक्टर के साथ है, तो यहाँ पे हमेशा फेज़ आएगा। और वाइट वायर जो है इसके दरमियान देखें यहाँ पे न्यूट्रल है और ये ब्लू वायर ब्लू कनेक्टेड है और ये ब्लू वायर के साथ कनेक्टेड है और फिर इसके बाद वाइट वायर आगे कनेक्टेड है। तो अगर यहाँ से आ रही है तो इसका मतलब है कि ये न्यूट्रल है। इसके बाद अगली वायर जो है वो रेड वायर है, जो कि वायर है जी कम्युनिकेशन की वायर। तो कम्युनिकेशन क्या है इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि सीरियल कम्युनिकेशन क्या चीज़ है। इसके अलावा
अब आपको बताते हैं कि यहाँ से जब आपके पास ऐसा मसला आ जाए तो सबसे पहले ये वाला फ्यूज़ और ये वाला फ्यूज़ ज़रूर चेक करें, अगर बिल्कुल यूनिट ऑन नहीं हो रहा है। तो अब जी बात कर लेते हैं जी नेक्स्ट के फ्यूज़ के बाद जो है वो आप क्या क्या मसला आ सकता है पॉसिबल। तो अगर देखें फ्यूज़ के बाद यहाँ पे एक ZNR लगी हुई है जो कि डिवाइस है 250 वोल्ट से अगर हाई वोल्टेजेस आ जाएंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो सकती है। तो जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो क्या होगा कि यूनिट जो है वो बाकी का यूनिट बच जाएगा जबकि ये जल जाएगी और ये फ्यूज़ जल जाएगा या फिर जो फर्स्ट जो फ्यूज़ है जो न्यूट्रल के साथ लगा हुआ है वो जल सकता है, तो दोनों के जलने के चांसेस मौजूद हैं। इसके बाद यहाँ पर जी दो कैपेसिटर इंस्टॉल किए गए हैं, तो ये कैपेसिटर जो हैं वो इंस्टॉल हैं ताकि सर्ज वोल्टेजेस को ऑब्जॉर्ब किया जा सके। तो सर्ज वोल्टेज जब आएंगे तो वो ये ऑब्जॉर्ब करके तो इसको अर्थिंग में डिस्चार्ज कर देंगे, इस तरह से ये बाकी का यूनिट जो है वो सेफ रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पे एक लाइन फिल्टर इंस्टॉल किया गया है, तो लाइन फिल्टर जो है वो वोल्टेजेस के स्पाइक्स को कम करने के लिए लगाया गया है। इसके बाद यहाँ पे एक इंडक्टर है जो कि 10 mH का है, इस इंडक्टर का मकसद यह है कि करंट के फ्लो को अच्छा किया जा सके, करंट को प्योर किया जा सके और इसके स्पाइक्स को निकाला जा सके। इसके बाद डायरेक्टली जो सिस्टम है वो चला जाता है जी इसके जो रेक्टिफिकेशन में, तो देखें रेक्टिफिकेशन में आके तो यहाँ से रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर होने के बाद एसी से डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो डीसी में कन्वर्ट होने के बाद देखें ये साथ में कैपेसिटर लगाया हुआ है, तो कैपेसिटर देखें ये लगा हुआ है इसमें 420 वोल्ट और 8068 माइक्रोफैरड का। तो यहाँ से यहाँ पे जब आ जाता है सिस्टम इलेक्ट्रिक यहाँ पर आ जाती है पहुँचती है तो ये यहाँ पर बूस्ट हो जाती है, बूस्ट होने से ये कन्वर्ट हो जाती है 320 वोल्टेज में। इसके बाद जी ये वोल्टेजेस आ जाते हैं देखें इसके जो स्विचिंग आईसी है उसमें आ जाते हैं, लेकिन स्विचिंग आईसी के साथ लगा हुआ है जी चोपर, तो चोपर के साथ मिलके ये दोनों वोल्टेजेस बनाते हैं। इससे पहले इंस्टॉल है जी एक और कैपेसिटर इंस्टॉल है जो कि फ़िल्टरिंग के लिए लगाया गया है, तो ये देखें ये जो है फ़िल्टरिंग के लिए कैपेसिटर यहाँ पर इंस्टॉल है। तो यहाँ पर ये वोल्टेजेस फिर कन्वर्ट होते हैं, डीसी टू डीसी कन्वर्जन होती है। तो यहाँ पे देखें किसी किस्म का कोई भी जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ नहीं किया गया क्योंकि सिस्टम छोटा है, इसलिए कंपनी ने क्या किया है कि डायरेक्टली चोपर से ही तमाम जो रिक्वायर्ड वोल्टेजेस हैं जो कि पीसीबी को ऑन करने के लिए, माइक्रो कंट्रोलर और बाकी फंक्शंस को ऑन करने के लिए जो है वो डायरेक्टली चोपर से ही लिए गए हैं। अब बाकी की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर टाइम हो रहा है ओवर, तो मिलते हैं फिर से आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में, तो देखते रहें फॉरएवर टेक।